आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर जुड़ासाको के विधायक विवेक गुप्त की ओर से बड़ा बाजार के सत्यनारायण पार्क और ग्रीस पार्क के सिंगी बागान बस्ती इलाके में छठ व्रतियों के बीच छठ की सामग्री वितरित की गई। सबसे पहले बड़ा बाजार के सत्यनारायण पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक की ओर से स्थानीय छठ व्रतियों में सूप, साड़ी और नारियल बांटे गए। इस मौके पर वार्ड 42 के अध्यक्ष अशोक ओझा, दीपक निगानिया, वार्ड 41 की वार्ड कोऑर्डिनेटर रीता चौधरी, वार्ड 43 के तृणमूल अध्यक्ष परवेज इकबाल, वार्ड 22 के तृणमूल अध्यक्ष वरुण मल्लिक सहित अन्य नेता मौजूद थे। वहीं सिंगी बागान बस्ती में आयोजित कार्यक्रम के दौरान तृणमूल नेता राजेश सिन्हा सहित रवि ओझा व अन्य नेतागण मौजूद थे। सिंगी बागान में भी छठ व्रतियों के बीच सूप, साड़ी और नारियल वितरित किए गए। आस्था के महापर्व के अवसर पर विधायक को अपने पास पाकर लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। और अगर आपको बंगाल में और यूपी बिहार में कोई भी फर्क नजर आता है तो वो हम लोग को बताइए, वो फर्क दूर करना हम लोगों का काम। ममता बनर्जी ने कहा कही हमसे, बोला हम बंगाल में रहने वाले 11 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री है, जो हमको वोट दिया वो भी, जो हमको वोट नहीं दिया वो, चुनाव खत्म, अब सब हमारा, हम सब का। अब इसी सिलसिले में विवेक जाओ, उनके बीच में रहो, उनके बीच में बात करो और उनका क्या दुख दर्द है हमको बताओ। तो हमने उनको बताया कि हमारे जो यूपी बिहार से माताएं, बहनें, बच्चे हैं, कभी पढ़ाई लिखाई के लिए, ब्याह शादी के लिए, कोई कोई कारण से कभी कभी नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है या वहाँ जाना पड़ता है। तो बोला विवेक जाओ, कुछ ऐसा करो कि यूपी बिहार बंगाल में आए, बंगाल का बिहारी यूपी बिहार में ना आए। और उसी प्रयास में उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल से लेकर, दाखिला से लेकर, आज पुलिस का कंप्लेन भी आप चाहें तो हिंदी में लिख के कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी जितनी भी समस्या हमने उनको बताई वो उन्होंने दूर। अभी दिवाली के दिन काली पूजा भी होता है, हमने उनको कहा कि दिवाली के 5-7 दिन पहले हमने कहा कि दीदी दुर्गा पूजा चला गया है, बट दिवाली और छठ ये दो ऐसा है कि हमारा रात भर कार्यक्रम चलेगा। धनतेरस में बहुत लोग सिंह लगन में पूजा करते हैं, या दुकान का, सबका दुकान का कोई ना कोई काम रहता है तो वो सब कर करा के थक हार के रात में पूजा वूजा करते हैं। तो बोले क्या चाहिए, हम बोले ये जो रात का कर्फ्यू है ये दिवाली का समय और छठ पूजा का समय हटाना पड़ेगा। उन्होंने 1 घंटे बाद नोटिफिकेशन करके हटा दी। तो आप लोगों को छठ पूजा वाले दिन आप आराम से अपना घाट जाने का जो भी समय आपको तय है, वहां जहां भी आपको छठ पूजा करना है वो करें।